by FJ Grammar School. Your subject is now Urdu. क्या पढ़ेंगे बच्चों आज हम? The student will study Urdu. Open your books, carry on your copy, your pencil box. Each and everything first is ready. अच्छा first chapter क्या है आपका? हम. हम तो आप कब से पढ़ते हुए आ रहे हैं? हम आपको पता है ना किसको कहते हैं? इसमें अल्लाह ताला की तारीफ हो. ये हम आप पढ़िएगा, तू हमेशा से तू रहेगा सदा. आपको इसकी पढ़ाई करनी है पूरी अच्छी तरह. एक सफा लिखाई करेंगे आप एज यूजुअल जो आप करते हुए आते हैं इन अ गुड हैंड राइटिंग. अब आइए वर्किंग की तरह. आपके अल्फाज माने हैं जो किताब में ही लिखे हुए. किताब से लिखे सफर नंबर 6 पर आप देखिए साइड में दिए हुए हैं इंतहा आखिरी हर बेकस जिसका कोई सहारा ना हो. तौफीक खुदा की मेहरबानी अल्लाह की मदद आसरा सहारा गम सदा गम के मारे हुए आपा हाकिम के मारे. उसी के नीचे क्वेश्चन नंबर 2 है आपका. इन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें. बराबर में दिया हुआ है ये किताब से देखकर बनाना है. ये भी सफा नंबर 6 पर है. तौफीक हम कहते हैं ना अल्लाह ताला हमें अच्छे काम करने की तौफीक दे. इंतहा यानी आखिरी हद. ठीक हम कहते हैं ना इसकी इंतहा तक मत जाओ कश्तियों की. ये भी आसान है. रहनुमा हमारा रहनुमा कौन है? आप सबको पता है डूबती डूबती कश्तियों का कौन सहारा है? अल्लाह ताला. सोच समझ कर विद द हेल्प ऑफ योर एल्डर्स आप अपने बड़ों से अपने ट्यूशन टीचर से यू कैन टेक द हेल्प एंड यू कैन मेक द सेंटेंसेस. जुमले बना लीजिएगा सही सही. अब आइए आप सवाल और जवाब. ठीक है हम की तारीफ यानी हम किसे कहते हैं? ये बहुत आपका पुराना काम है. ये आपको वैसे भी याद होना चाहिए. दीज आर द क्वेश्चन आंसर्स. हम की तारीफ लिखें ये तो आपको बगैर लिखे भी आनी चाहिए. हम की तारीफ हम ऐसी नज़म को कहा जाता है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की गई हो. एक हम्द होती है और एक ना जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की गई हो. ये आपको समझ आ गया. अब आइए जो हमारा हम के हवाले से सवाल आते हैं. बेकसो गमजदों का सहारा कौन है? बेकसो गमजदों का सहारा अल्लाह ताला है. डूबती कश्तियों का किनारा है तू से क्या मुराद है? मतलब कौन बनता है किनारा? डूबती कश्तियों का किनारा है तू से मुराद है कि सबके बिगड़े हुए काम अल्लाह ताला बनाता है. यानी हम जब परेशान हो जाए तो हम किसकी तरफ लौटते हैं? अल्लाह ताला की तरफ. अल्लाह ताला ही की तरफ वापस जाते हैं. अभी आप देखिए कितना कोरोना जो है वो कितनी स्प्रेड आउट हो गया है ये डिजीज. तो हम किसकी तरफ पलट कर जा रहे हैं? अल्लाह ताला की तरफ. हमें पता है हमारी डूबती कश्तियों का सहारा कौन है. अब आइए सीधी राह कौन सी है? सीधी राह वो होती है जिस पर चलकर आदमी गुमराही से बच जाए और कामयाबी हासिल कर ले. आपको पता है ना सच बोलना सीधी राह पे चलना इससे अल्लाह ताला खुश होता है हमें कामयाबी भी मिलती है और गुमराही या हम गलत काम से बच जाते हैं. ये आपका है ऑनलाइन वर्क जो एट दैट टाइम यू विल मेंटेन. आप देखते हुए करेंगे. अब आइए वो काम जो आपको एज होमवर्क करना है. सफर नंबर 6 पर आपकी खाली जगह है ये आप देख लीजिए. ये है न तेरी इब्तिदा न तेरी डैश मिसरे मुकम्मल करेंगे. उसके बाद ये 7, 6 और 7 तक चला जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2 है हम जबानी याद करें. ठीक है आपके होमवर्क में आपको ये नज़म जबानी याद करनी है ताकि जब स्कूल ओपन हो इंशाल्लाह जब भी मौका आएगा ओपन हो जाएंगे. आप अल्लाह से दुआ करें इस बात के लिए हम जबानी याद करें. उस वक्त आपको आकर स्कूल अपनी टीचर को जबानी हम सुनानी होगी. ठीक है ओके टिल देन फॉर द न्यू क्लास एंड द एक्स्ट्रा वर्क फॉर अगेन उर्दू वी विल कंटिन्यू in the next class. Allah Hafiz.